नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी का डर क्या अब उनकी बौखलाहट में बदल गया है? पहले चरण के चुनाव के बाद ही उनकी स्थिति बिगड़ने लगी है। क्या उनको कोई मानसिक रोग हो गया है या वो किसी ऐसे रोग का शिकार है जिसमें सिर्फ झूठ ही बोला जाता है, जिसमें सिर्फ नफरत पनपाई जाती है, जिसमें नफरत पनपाने के लिए जबरदस्ती मुस्लिम शब्द घुसेड़ा जाता है? और क्या मुद्दों पे बात करने, मुद्दों पे बहस होने, मुद्दों पे चर्चा होने से उन्हें डर लगता है? जब हम इन सवालों पे बात करते हैं तो उत्तर आता है हां, नरेंद्र मोदी को डर लगता है। और पहले चरण के मतदान के बाद वो डर उनका कई गुना बढ़ गया है और दूसरे चरण के चुनाव में यह डर और बड़ी बौखलाहट में, पागलपन में बदल जाएगा, इस बात का भी अंदेशा प्रबल हो चला है। इन्हीं विषयों पर आपके साथ चर्चा करूंगा। मेरे एक मित्र ने एक शब्द लिखे, फिर से उलझाता है सबको नफरत वाली बात में, दूसरे राउंड में ही लुच्चा आ गया औकात में। अब उन्होंने किसके लिए लिखा है यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि आज हालात लगातार बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी आपको डरते हुए दिखाई देंगे हर मोर्चे, चाहे वह मोर्चा कोई भी हो, चुनावी हो या कहीं हो। उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा हो रहा है कि सूरत में जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे उनका पहले पर्चा निरस्त कराया गया। जब उनका पर्चा निरस्त हो गया तो उनके जो बैकअप में प्रत्याशी होता है वो बचे थे तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट बन जाते। तो साहब, उनका पर्चा गलत तरीके से निरस्त कराया गया यह कह के कि साहब जो उसमें गवाहन है वही दूसरे हैं, साहब उनका भी निरस्त करा दिया गया। तो बचे थे निर्दलीय, और जो निर्दलीय बचे थे उन सब से पर्चे वापस करा लिए गए और भारतीय जनता पार्टी के दलाल को विजयी घोषित कर दिया गया, निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं किस तरह के खेल हो रहे हैं और उस तरह की खेल की स्थिति है। इससे आप समझ सकते हैं यह स्थिति यह है कि पाकिस्तान में भी जो नहीं हुआ था वहां के निर्वाचन आयुक्त ने इस्तीफा दिया था और कहा था मुझे सड़े बाजार चौक पर खड़ा करके मार दिया जाए, मैंने इतना अपराध किया है। कम से कम उनके अंदर यह शर्म बाकी थी, हमारे यहां तो शर्म सब खो ही चुके हैं। और जब सब बेशर्म हो चुके हो तो किसी से क्या कहेंगे। तो उस स्थिति में ये खेल होते हैं, और जब ये खेल होते हैं इससे आप समझ लीजिए जो 400 पार का नारा देते हैं वो असलियत में 150 सीट नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस डर से यह काम कर रहे हैं। यह डर उनका दर्शाता है और इसी डर के कारण इस तरह की हरकतें की जाती हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की जो बीमारी से ग्रसित है, मैथोमैनिया एक बीमारी होती है, इस बीमारी का जो शिकार होता है वो वास्तव में सच बोल ही नहीं सकता, जो भी बोलता है उसका कम से कम 90% वो झूठ बोलता है। और जब 90% झूठ बोलता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या बोलेगा। और वो जब झूठ बोलता है तो उसके झूठ को समझने की जरूरत है। वो झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि 400 पार का जब वो नारा देता है तो सबको याद आता है उसने जब
गुजरात में नारा दिया था और वो गलत साबित हुआ था। तब आपको याद होगा 150 पार कहा था और आए थे 99। हरियाणा में 75 पार कहा था, आए थे 40। दिल्ली में कहा था 45 पार, आए 8। इसी तरीके से तमाम राज्यों में यह चीज हमने देखी। और जब यह सारी चीजें हमने देखी तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। और वही हमें देखने को मिल रही है, लगातार देखने को मिल रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ये खेल करती है। और जब ये खेल होते हैं तो निश्चित रूप से आता है कि आखिर कौन सा ये भारत बना रहे हैं और कैसा बना रहे हैं। इस भारत की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का इन्होंने भारत बनाया है वो नफरत का भारत, वो भारत जो हमारे देश को कहीं ना कहीं तबाह करने का काम करता है, वह भारत जो झूठ और मक्कारी से चलता है, वह भारत जो नफरत पनपाता है और उस नफरत के बूते सत्ता पाने की एक होड़ होती है। तो यह खेल चल रहा है और जब यह खेल चलते हैं निश्चित रूप से चिंता का विषय होता है। आज हम इन सारी स्थितियों को देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब बात आती है कि आप मुद्दों पे बात कीजिए तो मुद्दे तो हैं नहीं, तो मुद्दे नहीं है कहीं पर भी। बात यह नहीं की जाती है कि हम कितना रोजगार देंगे, एक शब्द नहीं है। जो नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र जारी किया उसमें कहीं रोजगार की बात नहीं है, कहीं महंगाई से निजात की बात नहीं है, कहीं आपके बच्चों की जो वैश्विक स्तर की शिक्षा है उसकी बात नहीं, कहीं सस्ती शिक्षा की बात नहीं, कहीं उन्हें हक देने की बात नहीं। तो बात किसकी होती है? बात होती है नफरत की, बात होती है और देश देना तो सीखा ही नहीं। साहब वो नरेंद्र मोदी हैं जो देना नहीं सीखते हैं, सिर्फ आपका छीनना सीखते हैं, लेना सीखते हैं। उदाहरण देता हूं, ये आप याद करिए, 5 नवंबर 1962 चीन के साथ भारत का युद्ध चल रहा था और भारत उस समय आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, बुरी स्थितियां थी, नया नया देश आजाद हुआ था, चीजें की जा रही थी, देश के पास पैसा नहीं था। लोगों से आह्वान किया गया कि मदद करें और श्रीमती इंदिरा गांधी ने 5 नवंबर 1962 को अपने सारे गहने, अपना सब, जितने जेवरात थे वो सेना के लिए दान दे दिए थे। वह दिन याद कीजिए। उस परिवार की बात कर रहा हूं, उन्होंने अपना मंगलसूत्र तक उसमें दे दिया था। वो इंदिरा गांधी होती थी। और आज लोग क्या हो गए? आज लोग सिर्फ लेना जानते हैं। मारुति कंपनी जब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने बनाई, उनकी अपनी निजी कंपनी थी, लेकिन जब बात आई तो उन्होंने देश को डोनेट कर दी, कंट्री को। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सारी पुश्तैनी संपत्ति इस देश को दान दे दी। उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी ने जब देश में पहली बार स्वशासन प्रणाली सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके लिए जमीन जायदाद चाहिए थी तो दिल्ली के लुटियंस जोन की आज जितनी संपत्ति है उन्होंने दान दे दी। इसलिए कि देश बने, देश में लोकतंत्र आए, देश में स्वशासन आए, इसके लिए। तो आप समझिए वो परिवार था। और आज क्या हो रहा है? आज छीना जा रहा है, यह स्थिति है। आपका छीन करके चंद पूंजीपतियों को दे दिया जाता है। 22 पूंजीपतियों के पास में नरेंद्र मोदी शासन में इतनी संपत्ति हो गई है जितनी 70 करोड़ लोगों के पास, भारत के 70 करोड़ लोगों की जितनी संपत्ति है उतनी सिर्फ 22 लोगों को सौंप दी गई। यह नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए उन्हें कांग्रेस और राहुल गांधी
से सख्त नफरत। तो राजस्थान में भाषण दे रहे थे, दो बातें महत्वपूर्ण है जो उन्होंने कही। एक, कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह है कि सबका संपत्ति का सर्वे करा के सबकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, महिलाओं के जेवर जब्त कर लिए जाएंगे और वो सब पूरे देश में समान रूप से बांट दिए जाएंगे, और इस समान रूप में उन मुसलमानों को नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा उन्हें, और न जाने क्या क्या कहा, और कहा उन्हें बांट दिया जाएगा। साहब, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं यदि कोई व्यक्ति पूरा मैनिफेस्टो देख डालिए, एक भी जगह मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल हुआ हो, तो मैं किसी और की बात नहीं करता हूं, अपनी बात करता हूं, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, कभी भी आपसे चर्चा नहीं करूंगा, उसमें कहीं दिखा दीजिए, शब्द भी नहीं है, लेकिन झूठ बोलना है तो कुछ भी बोलेंगे। दूसरी बात उन्होंने बोली कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की संपत्तियों पर पहला हक मुसलमानों का है। इतना बड़ा झूठ, इससे बड़ा और झूठ नहीं हो सकता है। इसको लेकर के चंडीगढ़ से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं मनीष तिवारी, पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने उस समय में इस पूरा जो उनका भाषण तैयार हुआ था वो भाषण इत्तफाक से सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास में उसकी कॉपी मौजूद थी, उन्होंने उस भाषण की कॉपी प्रस्तुत की और उसमें कहा कि साहब ये देखिए, और मनमोहन सिंह के उस भाषण का पूरा वास्तविक आकलन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने हैंडल पर वो किया कि साहब कैसे क्या किया गया। तो स्थिति ये है कि कांग्रेस ने वह बताया कि क्या कहा था, तो कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी ने उस समय अपने भाषण में कहा था कि इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और सबका जिस तरीके की स्थितियां है, ऐसी स्थिति में इस देश के तमाम संपत्तियों पे इन सब का हक, और मुसलमानों में चूंकि बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है तो इसलिए अल्पसंख्यकों में चूंकि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है तो उन पर ध्यान देने की जरूरत, कहीं ये नहीं कहा था। तो हक इस बात की बात हो रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते हैं, अब कहते हैं हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं, सामान्य घटना नहीं। हुजूर, दुनिया आज जानती है कि बेटियों पर सबसे बड़ा हमला मणिपुर में हुआ, और वो मणिपुर में हमला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, बेटियों की नग्न परेड निकाली गई और न जाने क्या क्या हुआ। इसके बाद में नरेंद्र मोदी दूसरी सलाह देते हैं, सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं, सबसे ज्यादा महिलाओं पर हिंसा की घटनाएं, सारी घटनाएं डबल इंजन की सरकारों में हुई, नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई और महिलाएं सबसे ज्यादा रेप का शिकार हुई, और उन रेपिस्ट को संरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने आ गई है, जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन रही है, लेना बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की पूरी साजिश रच रही, उस दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि यह सिर्फ सरकार बनाने चुनाव का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है, इसलिए यह बात हर व्यक्ति को समझनी होगी। तो यह बात राहुल गांधी ने कही, यह उन सबूतों पर वो कह रहे हैं जो सबूत आज मौजूद है, जिनसे आपको यह पता चलेगा कि क्या स्थिति है, क्यों है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की परेशानी यह है कि वो जनता की रोटी रोजगार अधिकार पर
चर्चा नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ नफरत के बूते करना चाहते हैं। तो आज स्थिति यह है कि जनता कह रही है रोजी रोटी दे न सके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। तो साहब यह बात अब जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। और इसीलिए आप सोचिए इस स्तर तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह गिर जाते हैं कि प्रियंका गांधी अपनी बेटी से जो पढ़ रही है उस बेटी से मिलने चली जाती हैं, तो साहब उसकी भी जासूसी कराई जाती है। तो प्रियंका गांधी कहती है बताइए इसमें गलत क्या है, मेरी बेटी है पढ़ रही है, मैं उधर आई हूं तो अपनी बेटी से क्या नहीं मिलूंगी, और क्या बेटी से मिलना गुनाह है, बेटी से मिलना गुनाह है जो पढ़ रही है उसको आप किस तरह से। तो उन्होंने वही कहा कि नरेंद्र मोदी को अमित शाह को बात करनी चाहिए रोजी रोजगार पे, बात करनी चाहिए लोगों को महंगाई से कैसे निजात दिलाई जाए, बात करनी चाहिए तमाम अन्य समस्याओं से, उन पर तो बात नहीं कर रहे, वो मेरी जासूसी करा रहे। और जासूसी कराने की उनकी पुरानी आदत है, पहले वो साहब की जासूसी कराया करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे तब महिलाओं की, इस बात का सबूत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, और अब यहां कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या इनकी नीयत है और क्या नीति है। तो जासूसी करिए, अपने पूंजीपति मित्रों को सब कुछ दीजिए, लोकतंत्र में नंगा नाच कीजिए, लोकतंत्र को खत्म कीजिए। तो इससे क्या हुआ है कि पहले राउंड की जब वोटिंग हुई उसमें जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड आया, भाजपा हारती हुई दिखती है, वैसी स्थिति में साहब बौखलाहट बढ़ गई क्योंकि दूसरा राउंड आ गया, बौखलाहट बढ़ गई है। जहां जहां कांग्रेस जा रही है, राहुल गांधी जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जा रही हैं, कांग्रेस के और तमाम नेता जा रहे हैं, अथाह लोगों का प्रेम आ रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, जनता लड़ रही है, ऐसी स्थिति में सब ये होता है। तो इस बौखलाहट में वो महंगाई रोजगार भ्रष्टाचार के मुद्दों से भटकाने के लिए यह कर रहे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर जो घोटाले किए हैं उससे भटक रहे हैं। तब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने चुनौती दे दी, सुप्रिया श्री नेत्र ने और पवन खेड़ा ने यह चुनौती दे दी नरेंद्र मोदी को कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान यदि लिखा एक शब्द दिखा दो, एक शब्द, तो चुनौती है तुम्हें, नहीं तो मानो कि तुम मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हो, तुम्हारे हल्कापन आ गया है। हमने तो युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, मध्यम वर्ग, श्रमिकों के न्याय की बात की है, हम तो न्याय पत्र लेके आए, अन्याय तो आप करते नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत है अन्याय करने। याद करिए 2002 में गोधरा के दंगे हो या कहीं के भी दंगे हो, जिस तरीके से किए गए, जिस तरीके से और तमाम चीजें की गई, वो अपने आप में दर्शाता है कि क्या ये करते हैं। तो ये झूठ बोलते हैं। तो इसको लेकर के प्रशांत भूषण ने बड़ा अच्छा कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, तमाम जनता के मुद्दों को लड़ रहे हैं, उनका कैसा घबराया साहेब बात बात पर डरता है, डगमग डगमग डोले कुर्सी धर्म को आगे करता है, पटर पटर बोले है ये 100 में 90 झूठ, राम नाम का लगा मुखौटा लेगा सबको लूट। तो जब ये लूटने की बात करता है तो एक मित्र ने कहा अभी तो इतना ही बोला है, आगे अभी रोएगा धोएगा तमाम ड्रामे दिखाएगा, उससे भी बात नहीं बनेगी तो अपने सैनिकों को अपने जवानों को मरवा देने का पुलवामा जैसा काम भी कर सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम के तमाम ड्रामे दिखाते हुए कुछ इस तरह के भी ड्रामे कर सकता है जिसमें कौआ मार आया था पीछे। तो आप यह समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग से लेके इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लेके तमाम पूंजीपतियों से लेके तमाम झूठ मक्कारी सब चीजों को लेकर के जुटा हुआ है।
लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चा संत खड़ा है जो लड़ने को तैयार है, लड़ रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी लगातार सच की आवाज बुलंद कर रहे हैं गांधी नेहरू के सपनों का भारत बनाने के लिए और नरेंद्र मोदी संघ का वह नफरती भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इस देश के लोगों को बर्बाद करके उन्हें गुलाम बना के रखने का काम कर रहे हैं। फैसला आपको करना है कि आपको किसके साथ जाना है, उस सच्चे भारत में जहां सबको रोजगार मिले, सबको महंगाई से निजात मिले, गरीब गुरबे पिछड़ों वंचितों को दलितों को आदिवासियों को अल्पसंख्यकों को उनके हक मिले, इंसाफ मिले, या अन्याय करने वालों के साथ आपको खड़ा। फैसला आपका। जय हिंद।